सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में प्रभु ईसा मसीह के दिव्य दोहरा के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं, डिवाइन विजिट्स। ईसा मसीह जिन जिन घरों में विजिट किया था और वहां पर क्या हुआ, इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु ईसा मसीह को इस आगमन काल में हमारे घर में स्वागत करने का एक तरीके के रूप में। परसों मैंने जो क्लास डाला था कपरनहूम के घर में मसीही बोल करके, लेकिन किसी कारण वो गलत हुआ था एडिटिंग में। मेरा एक रिट्रीट था मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर धर्म प्रांत में, उसको जाने के पहले मैं कुछ क्लासेस पहले से तैयार किया। वो जल्दी जल्दी में एडिट करते वक्त एक ही क्लास को दो बार एडिट किया, और कपरनहूम का जो क्लास था उसको मैं छोड़ दिया था। लेकिन बाद में उसको सब क्लासों को मैंने मोबाइल से डिलीट भी किया, इस कारण आज दोबारा वो क्लास को ले रहा हूँ। कपरनहूम का वो क्लास को मैंने तुरंत वापस लिया, इसलिए सब लोग परसों का क्लास को नहीं देखा। इन दिनों में दो तीन दिनों से सबसे पहले हम पेत्रुस के घर में, पेत्रुस एवं अंद्रेस घर के घर में ईसा मसीह पहुंचने के विषय में मनन चिंतन किया था। वहां पर मैंने कहा था ईसा मसीह सभागृह से निकला, वो सभागृह कपरनहूम में था। इसका मतलब पेत्रुस और अंद्रेस का घर भी कपरनहूम में था। और कल का जो क्लास है लेवी के घर में गया करके, लेवी का घर भी कपरनहूम में है। ईसा मसीह का कपरनहूम के साथ बहुत अच्छा संबंध है। हमने एक क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था ईसा मसीह को ईसा नाजरी इसलिए कहते हैं क्योंकि नाजरत नगर में उनका पालन पोषण हुआ था। लेकिन ईसा मसीह के बपतिस्मा के बाद ईसा मसीह ने जब पब्लिक लाइफ शुरू किया तब उन्होंने नाजरत छोड़कर कपरनहूम में आकर के रहने लगा। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 13 को यदि हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 13, ईसा मसीह का बपतिस्मा हुआ, इसके बाद 40 दिनों तक का उनका मरुभूमि में जो उपवास प्रार्थना और शैतान द्वारा परीक्षा का समय, शैतान पर विजय प्राप्त कर वो गलीलिया लौटे। और मत्ती का सुसमाचार 4:13 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, वे नासरत नगर छोड़कर जबलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। यहां पर संत मत्ती साफ साफ लिखते हैं कि ईसा मसीह नासरत नगर छोड़कर कफरनहूम में आकर के रहने लगा। इसका मतलब ईसा मसीह का एक घर कफरनहूम में भी था। मैंने इस विषय में जब पढ़ाई किया मुझे पता चला ईसा मसीह कफरनहूम में आकर के रहने के पीछे कई उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य हम लोग मनन चिंतन कर चुके हैं, कफरनहूम में उस समय पर एक बहुत बड़ा सभागृह था जहां पर ईसा मसीह उपदेश देना शुरू किया, जहां पर ईसा मसीह सबसे पहला एक्सोरसिज्म शैतान को निकालने का
मार्कुस के अनुसार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, ईसा मसीह कफरनहूम के उस सभागृह में सबसे पहला चमत्कार एक्सोर्सिज्म के रूप में किया था, शैतान को निकालता हुआ हम लोग ने देखा। क्योंकि योहन का पहला पत्र अध्याय 3:8 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह इसलिए संसार में आया शैतान का कार्यों को समाप्त करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान के द्वारा मानव जाति को जो भटका कर पाप के गुलाम बनाकर रखा था उस गुलामी से मानव जाति को मुक्त करने के लिए ईसा मसीह आए। तो मार्कुस के अनुसार ईसा मसीह ने सबसे पहला कार्य उसी शैतान को, शैतान के वश में पड़े हुए व्यक्ति को उससे मुक्ति देता हुआ, शैतान को निकालता हुआ, एक्सोर्सिज्म करता हुआ हम लोग पाते हैं। तो कफरनहूम में उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। इसके बाद कई ऐसे बातों को हम लोग मिलते हैं। योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6:22 से लेकर के अगर हम पढ़ करके जाएंगे, विशेषकर 35 से आगे, जीवन की रोटी का जो क्लास ईसा मसीह ने जो लिया था, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी हूं, मेरा शरीर सच्चा मांस है, मेरा रक्त सच्चा भोजन पेय है, जो मुझे खाता है उसमें मैं निवास करूंगा और मुझ में निवास करेगा, उसे आनंद जीवन मिलेगा, ये सब बोल करके जो जीवन की रोटी की जो शिक्षा जो दिया था वो कफरनहूम के इस सिनेगोग में ही किया था। हम लोगों ने 3 दिन पहले हम लोगों ने मनन चिंतन किया था कि पेत्रुस और आंद्रेस के घर में आया, वहां पर उनके सास माँ को चंगाई करता हुआ और उनके घर में अनेकों बीमार ग्रस्तों को लेके आया और वहां पर बहुत ज्यादा चंगाइयां चमत्कार होता हुआ। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर आज हम लोग उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में ईसा मसीह कफरनहूम के घर में, वो घर ईसा मसीह जिस घर में रहता था वही घर है जिसका छत खोलकर 4 लोगों ने कटल के सहारे एक अपाइस व्यक्ति को, अर्धाग रोगी को ईसा मसीह के पास लेकर के आए, ईसा मसीह ने उन्हें चंगाई दिया था। और हमें मालूम है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर रक्त स्राव से पीड़ित एक महिला के विषय में लिखा हुआ है और उस महिला का चंगाई भी इस कफरनहूम में हुआ था। तो इस प्रकार नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार और सिखाना आदि ईसा मसीह ने इस कफरनहूम में रह करके भी किया था। तो ईसा मसीह का एक दूसरा घर कफरनहूम में है, तो उसके विषय में ही आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 7:3 को पढ़ेंगे, वहां पर एक शतपति ने इस सभागृह को बनाया, ये कर करके लिखा हुआ है। और ईसा मसीह के समय पर जो सभागृह था, कहा जाता है आज भी उसका कुछ पार्ट दिखने में आता है। सन 200 में कहा जाता है ईसा मसीह ने जिस सभागृह में बैठ करके सिखाया था उसको तो तोड़ दिया था, लेकिन बाद में सन 200 में उसके ऊपर दूसरा एक सभागृह बनाया था और वो अलग दिखता भी है पत्रों का जो फर्क से, और वो भी तोड़ा गया है उसका भाग, लेकिन आज भी दिखने के लिए मिलता है। तो ईसा मसीह का कई चमत्कार जो है इस कफरनहूम में हुआ। और लूकस को सुसमाचार उसके अध्याय 8 को पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 41 से आगे, जेरूस की बेटी को जो मर गया था उन्हें जीवन दान देते हुए भी हम लोग मनन चिंतन करते हैं। वहां वो जो घर है वो भी कफरनहूम में है, क्योंकि रक्तस्राव से पीड़ित महिला
जेरूस की घर की ओर ईसा मसीह जा रहा था, तब आकर के मसीह के कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया था। तो कफरनहाम के उस रास्ते में उस रक्तस्राव से पीड़ित तो महिला को चंगाई मिलते हैं। इसके बाद जेरूस के घर जाते हैं, जेरूस के घर से लोग खबर देकर लेकर के आ गया था, बेटी मर गया है, गुरुवर को ईसा मसीह को लेके आने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेरूस जब आया था वो सीरियस कंडीशन में था। ईसा मसीह को यही बोल करके उनके घर में स्वागत कर रहा था, आइए मेरे बेटी को चंगा कीजिए, वो बहुत बीमार है बोल करके। तो ईसा मसीह उनके घर की ओर जाते वक्त रक्तस्राव से पीड़ित महिला आते हैं, उनके कपड़े के पल्ले को स्पर्श करते हैं, मसीह से शक्ति निकलकर उस उनका जो रक्तस्राव है वो उसी क्षण सूखते हैं। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 12 साल से भी ज्यादा हो गया इनका रक्तस्राव नहीं रुक रहे थे। अनेकों वैद्यों के पास गए, इलाज किया, लेकिन ये रक्तस्राव नहीं सूख रहा था। लेकिन मसीह के शरीर को इन्होंने स्पर्श कर, इनके कपड़े को स्पर्श कर, उनके विश्वास के द्वारा मसीह से वो शक्ति उनकी ओर आए, वो शक्ति, वो पवित्र आत्मा की शक्ति उनके रक्तस्राव को सुखा दिया है। तो कफरनहूम इस प्रकार अनेकों चमत्कार मसीह का देख चुका है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर मसीह जिस घर में बैठा हुआ था, कफरनहूम के वो घर में बैठा हुआ था, जहां हम बोल सकते हैं अपना जो घर है वहां पर बैठा हुआ था, वहां बहुत भीड़, लोगों का भीड़ था, प्रभु उन्हें वचन सुना रहा था स्वर्ग राज्य के विषय में, पश्चाताप के सुसमाचार सुना रहा था। तब एक अर्धांग रोगी को 4 लोग लेकर के आए पलंग में, लेकिन भीड़ के कारण उसे अंदर लेके आना असंभव हो गया। तब उन लोगों ने उस पलंग के साथ उसको छत पर लेकर के जाते हैं और छत खोलकर उस पलंग को जहां मसीह बैठा हुआ था वहां पर उतरते हैं, उतारते हैं। मसीह ने उन लोगों का विश्वास को देखकर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। अर्थात बीमारी पाप के कारण भी होता है, इसलिए जब कभी हम बीमार होते हैं, हमें कुछ परेशानियां होता है, हमारे जीवन में कुछ रुकावटें हो रहा है, तुरंत हम अपने अंतकरण की जांच करना है, हमारा जीवन किस प्रकार है, मसीह के संग है या मसीह से दूर होकर के, ईश्वर के वचन के अनुसार जी रहा है या वचन से हट करके जी रहा है। अनेकों बार बीमारी का कारण पाप है। यहां पर हम लोग देखते हैं इस व्यक्ति का अर्धांग रोग का कारण पाप है। ईसा मसीह ने इसके द्वारा उनका पाप क्षमा कर रहा है, साथ ही साथ ये भी हम लोगों को सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को शारीरिक चंगाई से बढ़कर आत्मिक चंगाई की जरूरत है। अनेकों लोग पैसा खर्च करते हैं शारीरिक चंगाई के लिए, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, हम लोग आत्मा के विषय में भूल जाते हैं। हमारी आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाए रखने के लिए हम कितना उत्सुक है, कितना श्रद्धा इस कार्य के लिए देते हैं, इस पर हमें मनन चिंतन करना है। ईसा मसीह आज हमसे कहते हैं, आपके शारीरिक की चंगाई से बढ़कर आपकी आत्मा की चंगाई की जरूरत है। उस व्यक्ति से, अर्धांग रोगी से प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। सबसे पहले आत्मिक चंगाई हो, इसके बाद तुम्हारा शारीरिक चंगाई। यह सुनकर के वहां पर बैठने वाले फरीसी भुनभुनाने लगे, कुटकुटाने लगे, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। आज कैथोलिक कलीसिया को ये जो अधिकार ईसा मसीह से मिला है, हम लोग ही मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 10 के अंदर पढ़ते हैं,
मार्क चैप्टर 2:10 वहां पर पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने उन फरीसियों से कहा, तुम लोग जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। ईसा मसीह को मिला हुआ वो पाप क्षमा करने का अधिकार, उस अधिकार के साथ प्रभु ईसा मसीह ने इस अर्धांग रोगी का पाप क्षमा किया। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को मिलता है एक पापिनी स्त्री का पाप क्षमा करते हुए। सिमोन फरीसी के घर में बैठा हुआ था, अगले क्लास में हम लोग उस पर भी मनन चिंतन करेंगे, वहां पर भी पाप क्षमा किया, अर्थात ईसा मसीह पाप क्षमा कर सकते हैं। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20:23 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, हमें पाप मुक्त किया, इसके बाद वो स्वर्ग में उद्गृहित होने के पहले, स्वर्गारोहण के पहले शिष्य लोगों को दर्शन देते हैं। उस पहले दर्शन में ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा से भरता है, प्रभु ने कहा तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसके बाद ईसा मसीह ने उनसे कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पिता ने पुत्र को, ईसा मसीह को, मानव जाति के उद्धार के लिए, पाप क्षमा करने के लिए भेजा था। तो ईसा मसीह अभी स्वर्ग में उद्गृहित हो रहा है, स्वर्गारोहण उनका हो रहा है, उसके पहले ईसा मसीह शिष्यों लोगों को अपने ओ पाप क्षमा करने का अधिकार देते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 20:22-21 से पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। तो ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों को भेजते हैं क्या काम करने के लिए? पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने और लोगों का पाप क्षमा करने के लिए ईसा मसीह भेजते हैं। इसलिए प्रेरित कहा जाता है, इन लोगों को प्रेरित इसलिए कहता है, ईसा मसीह ने उन्हें भेजा है। इसके बाद वाक्य 22 में लिखा है, इन शब्दों के बाद ईसा मसीह ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसका मतलब सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हैं। इसके बाद उनसे कहते हैं वाक्य 23, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। ईसा मसीह उन प्रेरितों को यह अधिकार देकर के कहते हैं, जिन लोगों का पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये अधिकार ईसा मसीह ने प्रेरितों को दिया। और थोड़ा सा है, इसके बाद कहते हैं, जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। शिष्य लोगों को पाप क्षमा करने का अधिकार देकर के कहते हैं, जिन लोगों का पाप तुम लोग क्षमा नहीं करता वे उन पापों में बंधे रहेंगे। ईसा मसीह संसार में आकर मानव जाति का पाप मुक्ति किया, इसके बाद उस पाप मुक्ति का कार्य ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक जारी रखने के लिए शिष्य लोगों को उस पाप मुक्ति का अधिकार दिया। जो अधिकार मसीह को था वो शिष्य लोगों को देते हैं। हमारा देश का जब इलेक्शन हो जाते हैं, प्रेसिडेंट को भारत देश का परमोन्नत स्थान है,
तो प्रेसिडेंट भारत देश को चलाने के लिए जिस पार्टी सबसे ज्यादा सीट हासिल किया है उसके नेता को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, आओ प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं उनको। इसके बाद उनको कुछ पोर्टफोलियो क्या क्या काम करना है ये सब देते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर कुछ अन्य मिनिस्टरों को चुन करके उनको उनका वो जो अधिकार में कुछ कुछ बांटते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को रेलवे मिनिस्टर बनाया, आज हमारे देश से एक ट्रेन शुरू करना, एक राजधानी एक्सप्रेस हमारे यहां से चाहिए या कोई अन्य ट्रेन चाहिए, इस प्रकार का कंप्लेंट जरूरत लेकर के दरखास्त लेकर के हम किसके पास जाएंगे? यदि प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा रेलवे मिनिस्टर के पास जाओ, सुप्रीम भवन प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो भी वही कहेगा मैंने जो पावर जो है चलाने का, ये देश को संचालित करने का, देश के जो सही रूप से चलाने के लिए, देश की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर को दिया है और अन्य मिनिस्टरों को वो अधिकार है, तो रेलवे मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, जिनको वो अधिकार प्राप्त है उसी के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार ईसा मसीह को पूरा अधिकार पिता से मिला हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में सब चीजों पर मेरा अधिकार है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2:10 में ईसा मसीह ने उन फरीसियों से कहा पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। ईसा मसीह ने अधिकार योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 के द्वारा अपने प्रेरितों को अधिकार दिया, देखकर के कहते हैं जिन लोगों का पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब पाप मुक्ति का वो कार्य प्रेरितों को ईसा मसीह ने सौंपा। जिन लोगों का पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे अपने पाप में बंधे रहेगा करके प्रभु कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो लोग इन प्रेरितों के पास जा करके पाप मुक्ति प्राप्त नहीं करता उन्हें पाप क्षमा नहीं मिलता। हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 19 के अंदर ये पढ़ते हैं आदिम कलीसिया में इस प्रकार पाप क्षमा होता था। कलीसिया के सामने विश्वासी लोग आते हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 18 ऑनवर्स विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है, अपने पापों को सबों के सामने वो स्वीकार करते हैं। इसके बाद वाक्य 19 में लिखा अनेक जादू टोना करने वाले अपने किताबों को लेकर सबों के सामने उनके देखते वो जला दिया है। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये का है। इतना मूल्यवान किताबों को लोगों के सामने जलाकर पापों को स्वीकार कर पाप से मुक्ति किया और उसका प्रायश्चित के रूप में उन किताबों को भी वे जला डाला। तो पाप स्वीकार करने का एक तरीका आदिम कलीसिया में भी हम लोग देखते हैं, सबों के सामने होता था। लेकिन आजकल सबों के सामने वाले ये सिस्टम जल्दी बंद करना पड़ा क्योंकि अनेकों लोग अन्य लोगों के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते थे, विशेषकर जो लज्जाजनक बातें, चोरी किया, व्यभिचार किया, ऐसे ऐसे जो लज्जाजनक जो बातें होता है उसको लोग स्वीकार नहीं करना। और उन समय पर जीवन काल में केवल एक बार ऐसा मौका मिलता था, तो कलीसिया ने उसके लिए प्राइवेट कन्फेशन का, पाप स्वीकार
जो पुरोहित के पास जाकर के रहस्य रीति से पाप स्वीकार बोलने का करने का एक रीति शुरू किया। इसके बाद पुरोहित उन्हें जब जो प्रायश्चित करने के लिए बोलते हैं और पाप क्षमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर वो क्षमा करता है, इस प्रकार पाप मुक्ति वे प्राप्त करता था। साथ ही साथ यदि हम कुरिंथियों का दूसरा पत्र को पढ़ेंगे अध्याय 5 को, सेकंड कुरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 18 ऑनवर्स यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहते हैं उसने मसीह द्वारा अपने से हमारा मेल करवाया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है, सबों को नहीं केवल प्रेरितों को सौंपा है ये मेल मिलाप का ये पाप स्वीकार का ये कार्य करने का। तो आदिम कलीसिया से पाप स्वीकार संस्कार चलता आ रहा है। मसीह को जो अधिकार था, हम लोगों ने मार्कुस के सुसमाचार में ईसा मसीह ने कपर्नहूम में जो अर्धांग रोगी को पाप क्षमा करता हुआ और लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में फरीसी सिमोन फरीसी के घर में पापनी स्त्री को पाप क्षमा करता हुआ पाते हैं, वो पाप क्षमा का कार्य ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर अपने मृत्यु के साथ पूरा किया और उसको ईसा मसीह के दोबारा आगमन का आगमन तक जारी रखने के लिए अपने प्रेरितों को ये अधिकार दिया। इसका मतलब है प्रेरित का मतलब है हमारे संत पापा को अधिकार है, संत पापा वो अधिकार लिखित रूप से बिशपों को देता है, बिशप लोग अपने सहायक जो पुरोहित लोग हैं उन्हें ये अधिकार लिखित रूप में देता है पाप क्षमा करने का जो अधिकार, जो ईसा मसीह का जो अधिकार है आज पुरोहितों के पास है। इस आगमन काल में एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए हम कल क्रिसमस में प्रवेश करेंगे। क्रिसमस ईसा मसीह का दोबारा आगमन का तैयारी होना है, इसलिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हमारे बीच में पुरोहित है। एक भी पाप हम छिपाएंगे नहीं, मन वचन कर्म के द्वारा सोच विचारों के द्वारा जो कुछ गुनाह पाप हमने किया है उसके लिए पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार, ईश्वर के 10 आज्ञा के विरुद्ध में, कलीसिया के 6 हुकुम के विरुद्ध में, 7 मूल पाप है घमंड क्रोध लोभ ईर्ष्या आलस्य पेटूपन और वासना, इसके विरुद्ध में, और 5 इंद्रिय के द्वारा देखने के द्वारा सुनने के द्वारा सूंघने के द्वारा स्पर्श के द्वारा आदि हम लोग जो पाप करते हैं इन पापों को हम स्वीकार करेंगे। एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा पूर्ण रूप से पाप मुक्ति प्राप्त करेंगे। इब्रानियों का पत्र दिया 8:12 में प्रभु ने कहा मैं उन पापों को याद नहीं करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य 12 में लिखा है पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना अधिक दूर में उन पापों को करूंगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 7:18-19 में लिखा है वह फिर से हम पर दया करेगा, हमारे पापों को अपने पैरों तले रौंद डालेगा और समुद्र के गर्द में फेंक देगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14:17 में लिखा है प्रभु हमारे पापों को एक थैली में मुहरबंद करेगा, सील लगाएगा, उसको समुद्र के गड्ढे में फेंकेगा, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना दूर करेगा, याद भी नहीं करेगा जिन पापों को हम स्वीकार करते हैं। और मसीह ने कहा जो लोग एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को स्वीकार नहीं करता है वे पाप में बंधे रहेगा। तो हमें मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा पाप मुक्ति प्रदान किया है, अपने पापों को एक पुरोहित से बोलने के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा तक का जितने भी किए हुए सारे हमारे व्यक्तिगत पाप, पूर्वजों से आने वाला जो पाप जो कुछ है सब कुछ नष्ट करता है। इस समसी बपतिस्मा के द्वारा
हमें अपने शरीर का अंग बनाता है, लेकिन हम वहां से हट करके, मसीह से हट करके जो पाप करता है, इसलिए उसके लिए पश्चाताप करने के लिए प्रभु ने पुरोहितों को अधिकार दिया। आज बपतिस्मा के बाद जितने भी पाप किया है, इसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह के एक दूसरा घर कफरनहोम का घर, उस कफरनहोम नगरी गलीलिया जो नदी है, तट है, समुद्र तट है, उसके पूर्वी भाग में रहता है, सॉरी उत्तर भाग में रहता है। गलीलिया समुद्र के उत्तर भाग में यह कफरनहोम शहर है। वहां पर मसीह के लिए एक घर था जहां इस अर्धाग रोगी का चंगाई हुआ। मसीह वहां रहकर उसके पास जो सभागृह था वहां जाते थे और उस कफरनहोम में ही अनेकों चमत्कार को किया। और हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में पढ़ते हैं वाक्य 23 और 24 में। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 23 और 24, वहां पर ईसा मसीह ये कहते हैं, इस कफरनहोम को दिखारते हैं, तू कफरनहोम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? प्रभु कहते हैं नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो देश ईसा मसीह ने चुना, जहां रह करके बहुत चमत्कार दिखाया, उस जगह के लिए बोल रहे, हे कफरनहोम, तुम क्या स्वर्ग में उठा लिया जाएगा? नहीं होगा बोलता है, तुम्हें नीचे गिराया जाएगा। क्या कारण है? क्योंकि जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए होते तो वह आज तक आज तक बना रहता था, अर्थात वे अपना मन परिवर्तन करना था। लेकिन कफरनहोम के लोग ईसा मसीह को एक कारपेंटर समझने लगे। अरे ये तो मरियम का बेटा है ना, ये तो यूसुफ का बेटा है, इनके भाई लोग हमारे साथ हैं, इनके बहन लोग भी हमारे साथ हैं। इस प्रकार बोल करके ईसा मसीह को धिकारने वाला शहर बन गया। ईसा मसीह को ईश्वर को जानते हुए समुचित आदर सम्मान नहीं देना। रोमियो का पत्र दिया 1:21, जान रहा है मसीह हमारा मुक्तिदाता है, लेकिन उनके अपने लोगों ने उनका तिरस्कार करने लगे, बोलने लगे ये पागल हो गया है, एक साधारण व्यक्ति है, कारपेंटर है, और ये ऐसा ऐसा क्या कर रहा है। ये सब बोल करके ईसा मसीह को जो ईश्वर है उन्हें उचित आदर सम्मान नहीं दिया। इसलिए कहते हैं जो कफरनहोम में जितना चमत्कार मैंने किया है, वो यदि सोदोम गोमोरा में होते, वो मन फिराव करते, उनके ऊपर उनके पाप के कारण गंधरस बरसाता, आग बरसा करके वो दोनों शहर को नष्ट किया था। प्रभु कहते हैं यदि एक इस प्रकार का चमत्कार उन दिनों में वहां किया होते, वो लोग अपना मन परिवर्तन किया होते, आज तक सोदोम गोमोरा रहते हैं। आज वहां पर एक हरियाली दिखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आग स्वर्ग से भरकर बेच करके पूरे सोदोम गोमोरा को जला डाल दिया था। हमें इन कफरनहोम के लोगों के समान नहीं बनना है। हमें मन फिराव करने का समय है, अपना हृदय कठोर मत कीजिए। इस आगमन काल में मसीह का अनुभव हमारे घर में होने के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। अनेकों लोग पाप स्वीकार के विरुद्ध सोचते हैं, विरुद्ध बोलते हैं। आज प्रभु हमें बुला रहा है, मन फिराव के लिए बुला रहा है। निर्णय कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह शीष प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।